मध्य प्रदेश सरकार की चर्चित आईएएस अधिकारी शैलबाला मार्टिन एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में है। शैलबाला मार्टिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मंदिर में लगे लाउडस्पीकर को लेकर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया है। हिंदू संगठनों ने बयान का विरोध किया है तो वहीं कांग्रेस ने इसे वाजिब सवाल बताया है। दरअसल शैलबाला मार्टिन ने एक्स पर लिखा है कि मंदिरों पर लगे लाउडस्पीकर कई गलियों दूर तक स्पीकर के जरिए ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि स्पीकर आधी आधी रात तक बजते हैं, उनसे किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होता। उन्होंने ये पोस्ट एक दूसरी पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखी थी, जिसके बाद हिंदुवादी संगठन संस्कृति बचाओ मंच ने इस पर नाराजगी जताई है। एक यूजर के कमेंट पर आईएएस शैलबाला ने रिप्लाई भी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री ने शपथ लेने के साथ ही जो आदेश जारी किए थे उसमें समस्त धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने और डीजे पर प्रतिबंध शामिल था। ये बहुत सुविचारित आदेश था। यदि इस आदेश पर अमल करते हुए सभी समुदायों के धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटा दिए जाएं और डीजे बंद हो जाए तो सभी के लिए बड़ी राहत होगी। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष पंडित चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि हिंदू धर्म की आस्था को कोई ठेस पहुंचाने का काम करेगा तो संस्कृति बचाओ मंच उसका विरोध करेगा। मंदिरों में सुरीली आवाज में आरती और मंत्रों का उच्चारण होता है, ना कि दिन में 5 बार लाउडस्पीकर पर अजान की तरह बोला जाता है। मेरा शैलबाला मार्टिन जी से सवाल है कि उन्होंने कब किसी मुहर्रम के जुलूस पर पथराव होते हुए देखा, जबकि हिंदुओं के जुलूस पर पथराव हो रहा है। और इसलिए मार्टिन मैडम, आपको हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हाफिज ने शैलबाला मार्टिन का समर्थन करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में लाउडस्पीकर पर कार्रवाई राजनीति से प्रेरित होती है। अगर धर्म देखकर लाउडस्पीकर पर कार्रवाई होगी तो एमपी के प्रशासनिक अफसर इस पर बोलने के लिए मजबूर। आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। जब तक के लिए देखते रहिए जर्नी टाइम्स।